मनोज जी, स्टेट लाइब्रेरी में कैसा लग रहा है? स्टेट लाइब्रेरी का वक्त और यहाँ पे टाइम स्पेंड करना कैसा है आपको? मैं बहुत दिन बाद आया हूँ अंडमान में। मैं आके अभी जो बैठा हूँ ना, तो मैं अभी ट्विटर में भी लिखा हूँ, ठीक है, ना तो कोई न्यूज़पेपर है, ना तो कोई मैगजीन है, आप पीछे देख सकते हैं, ठीक है, ना तो कोई बुक है। और ये लोग, मैं जो मैडम लोगों से पूछा हूँ कि मैं पहले भी आता था 2019 पहले भी आता था, तो मैडम ने बोला कि 2020 का जो कोविड लॉकडाउन है उसके बाद कभी न्यूज़पेपर वगैरह आया ही नहीं। मैं तो शौक में बताइए, अभी आज के टाइम में अगर एजुकेटेड आदमी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आदमी को इन्फॉर्मेशन लेने से रोका जा रहा है, मतलब आदमी को ये बोला जा रहा है कि आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो, आप मैगजीन मत पढ़ो, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ना करो, आपको लिए सिर्फ जी न्यूज़ है, आज तक है, जो गवर्नमेंट चाहता है आप वही देखो। और एक चीज़ की अवेलेबल है, डेली टेलीग्राम जो अंडमान का न्यूज़पेपर है, उसमें वो बकवास जो लिखेगा कि हाँ अच्छा कर रहा है, देश आगे जा रहा है, वो जो वो चाहता है गवर्नमेंट वही तक आपको पहुँचाता है। और मनोज जी, किताबें भी मौजूद नहीं, और हमने देखा कि स्टेट लाइब्रेरी के अंदर भीड़ तो नहीं के बराबर है, चुनिंदा लोग चुनिंदा कुर्सी में बैठे हुए। देखिए अभी आप एक बात बताइए, बच्चा लोग को अट्रैक्ट कैसे करता है? ऐसा नहीं कि पूरा अंडमान निकोबार में कोई पढ़ने वाला बच्चा है नहीं, अभी स्कूल के बच्चे यहाँ तक आएंगे, ठीक है, तकलीफ करके दूर दूर से आने का मतलब बुक कुछ रहेगा नहीं, तो आप बताइए कैसे करेंगे? होते देखिए, ये तेलुगू मैगजीन है, वो बंगाली मैगजीन है, यहाँ देखिए तमिल मैगजीन है, मलयालम मैगजीन है, वो साइड में बंगाली मैगजीन है। आप बताइए, जो लोकल लैंग्वेजेस वगैरह को बच्चा को सिखाना, इतना बड़े बड़े गवर्नमेंट बातें करता है कि बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए, वो पढ़ाना चाहिए, और अगर ये बुक ही आप ना दो, कम से कम गवर्नमेंट एजुकेशन में भी खर्चा करना बंद कर दिया। बताइए, ऐसा आज का हालत हो गया है, अगर ऐसा हुआ तो ये सब बच्चे स्कूल पढ़ के जाएंगे क्या? पता, ये स्कूल है साइड में, आपको तो पता ही है सामने स्कूल है, स्कूल से अभी तो रात हो गए, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो 5 बज गया है। आप सोचिए, सुबह सुबह का टाइम है, कोई बच्चा अगर स्कूल से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि थोड़ा एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, और यहाँ में बुक अवेलेबल ना है, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों को टीचर भी तो है नहीं, आपको पता ही है गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी नहीं है, अगर वो रोड भी नहीं है, अगर वो स्कूल पहुँच भी जाए, ठीक है, टीचर नहीं है, अगर वो लाइब्रेरी में आए, बुक नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, तो बताइए ये जो पैसा है, क्या ये चाइनीज जो लाइट खरीद के सारा जो रास्ता में लगाया हुआ है और बोल रहा है कि अंडमान का डेवलपमेंट है, ये है अंडमान का डेवलपमेंट? इसका असल गुनहगार कौन है, कौन इसका मुजरिम है, कौन इन चीज़ों को ख़राब कर रहा है? ये आप एक बात बताइए, ये जो देखिए एंड ऑफ द डे ये लोग को कंप्लेंट करा है, मैंने मैडम से पूछा, मैडम ने कंप्लेंट किया, कंप्लेंट गया किसका? कोई IAS IPS ऑफिसर के पास ही तो गया है ना सब कंप्लेंट। अगर वो लोग नहीं कर रहे तो IAS IPS ऑफिसर लोग किसका कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना। हमारे MP तो कुछ बेकार है, MP तो एकदम बेकार है, ठीक है, MP का तो लायक ही नहीं है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में जो IAS IPS ऑफिसर है, जब वो काम नहीं कर रहा है तो उसको बाहर निकाल दो, पनिश करो, वो भी तो नहीं कर रहा ना, कंप्लेंट करने के बाद भी तो। आप बताइए, IAS IPS अंडमान में 155 IAS IPS डेनिक ऑफिसर है ना, किसके लिए? 4.5 लाख आदमी के लिए। बताइए कर क्या रहा है? क्या ये लोग सिर्फ ऑफिस में बैठ के लड़की लोग को बुला के रात को होटल में जाके एंजॉय करने के लिए बैठा हुआ है? कोई काम बताइए आप करना है। अगर ये भी नहीं कर सकता है तो करेगा क्या? बताइए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा बार बार कह रहे हो, एजुकेशन को बर्बाद कर दो, आने वाली नस्लें ख़राब हो जाएंगी, तो ये लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी बुनियाद थी, इसको भी बर्बाद किया जा रहा है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको भी एक मौका नहीं दिया जा रहा है। तो डेलीबरेट नहीं कर रहे, तो डेलीबरेट क्या? आप बताइए, आप किसे पढ़ेगा? आपको लैपटॉप निकाल, आईपैड, इसको मैं घर में बैठ के पढ़ सकता हूँ। अभी अगर वो जैसा अभी यहाँ में तो कम से कम देखो, जैसा आप सोचो कि स्टेट लाइब्रेरी है, होल्डर का रोहता लाइब्रेरी है, ठीक है, आप अगर नॉर्थ मिडिल अंडमान में जाओगे, वहाँ में तो इंटरनेट फैसिलिटी भी नहीं है, नेटवर्क भी काम नहीं करता, तो यही बुक के द्वारा आदमी इंफॉर्मेशन गेन करता है। अभी अगर वो बुक भी नहीं आऊँगी तो आदमी को क्या पता रहेगा, इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या रहेगा? बताइए, इन्फॉर्मेशन सोर्स एक ही है, क्या है? वो जो अंडमान का लोकल जो डेली टेलीग्राम है, जिसमें गवर्नमेंट का फेवर में लिखता है, वो है, और दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन है, जी न्यूज़ आता है, उसमें देख के आदमी यही सोच रहा है सुबह शाम उल्टा पुल्टा न्यूज़ जो दिखा रहा है, और तो सब चैनल तो खरीदा हुआ है गवर्नमेंट का, और आपको इन्फॉर्मेशन का सोर्स बताइए। ये लोगों को ये भी पता नहीं है कि अगर बीमार पड़े, ठीक है, तो कौन सा हॉस्पिटल में जाए, क्या टेस्ट करवाए, क्या आइडिया है, बेसिक मिनिमम नॉलेज नहीं है, जनरेशन खत्म हो जाएगी, फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा। नहीं, ना केवल हम ये बताना चाहेंगे कि ना केवल मनोज जी की बात है, कुछ लोगों से भी हम लोगों ने बात किया, वो भी यही कह रहे हैं कि अपने घर से किताब या तो आईपैड लेके आ रहे हैं और या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोरोना के बाद से कोई चीज़ मिल नहीं रहा है, बस वो ऑन कैमरा आने के लिए झिझक रहे थे और मनोज जी आ गए। मनोज जी, जनता को क्या कहना चाहेंगे? लाइब्रेरी बर्बाद हो रही है, सिस्टम बर्बाद हो रहा है, अंडमान डूबा जा रहा है, क्या करना है?
क्योंकि अभी क्योंकि अभी 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 दो तीन बच्चे थे आप देखिए बच्चों को जैसे पूछे बच्चे भाग गए। प्रॉब्लम मेरे को यही समझ में नहीं आया, अगर इतना भूख पड़ता है यहाँ और एक बच्चे थे कोस्ट गार्ड के पेनेट में, अगर इतना भूख पड़ता है और भूख पड़ के अगर सच्चाई खोल के बोल नहीं पाता है तो इस तरह भूख पड़ के फायदा क्या? मैंने बच्चे को समझा, आपने देखा आपके घर में बच्चे भाग गए।